Hey there guys, assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. मैं हूँ अतरा शहरियार और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी पार्टी मेकअप ट्यूटोरियल बहुत ही ईजी स्टेप्स में, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको समझ नहीं आती कि पहले कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है, देन कौन सी, तो इसमें आपको स्टेप्स सारे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो. सबसे पहले मैं अपने मॉडल के फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करूँगी. मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों. बस ये फ़र्क है कि सर्दियों में आपने थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और गर्मियों में आपका मॉइस्चराइज़र ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको पसीने बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है? स्किन को मॉइस्चराइज़ इसलिए भी करना है क्योंकि गर्मियों में अक्सर डिहाइड्रेशन हो जाती है, हवा में नमी की कमी होती है, जिसकी वजह से स्किन काफ़ी ड्राई फील हो रही होती है. नेक्स्ट मैं जी यूज़ कर रही हूँ जी मिस रोज़ का 04 प्राइमर, और प्राइमर की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी मॉडल के फेस पर जितने भी जो पोर्स होते हैं, जो ओपन हुए हुए होते हैं, उन पे अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ पोर्स हैं. और ये क्या करेगा कि पोर्स को अच्छी तरह से फिल कर देगा और हमें स्मूथ कैनवस मिल जाएगा बेस अप्लाई करने के लिए. तो प्राइमर आपने लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है? नेक्स्ट जी मैं इनको अप्लाई कर रही हूँ जी परफेक्ट फेस की ब्राइडल बेस. और ये जो ब्राइडल बेस है ये बहुत ज़बरदस्त है, मैं इसको पार्टी मेकअप्स के लिए भी यूज़ करती हूँ और ब्राइड्स के लिए भी यूज़ कर चुकी हूँ. जो ये बेस है ना, ये काफ़ी थिक है, इसके साथ मुझे किसी भी कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी भी जो करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है? तो इसके लिए क्या किया मैंने, जस्ट बेस अप्लाई की है और उसको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर दूंगी. ब्लेंडिंग आपने जो है ना, ब्लेंडर को हवा में हिलाना जो होता है ना, जिसको कहते हैं, वो करना है. आपने बिल्कुल भी ब्लेंडर को घसीटना नहीं है. अगर आप ब्लेंडर को घसीटेंगे तो जहाँ पे आप बेस अप्लाई करें वहाँ से बेस लगने की बजाय हट जाएगी, ठीक है? तो आपने बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंडिंग कर लेनी है और ब्लेंडिंग भी कम से कम आपने 3 से 4 मिनट लगाने, ठीक है? नेक्स्ट जी मैं यूज़ कर रही हूँ पार्टी क्वीन का ये फेस पाउडर, और इसकी हेल्प से मैं क्या करूँगी कि मैं अपनी मॉडल के जो बेस मैंने लगाई है उसको अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी. गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा मैं पाउडर नहीं अप्लाई कर रही हूँ, बहुत लाइट सा पाउडर मैंने अप्लाई किया है ताकि लेयर्स ना बन जाए, ठीक है? लेयर्स जब जितनी मेकअप की ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है. नेक्स्ट जी मैंने यहाँ पे यूज़ किया ये कॉन्ट्रोल पैलेट, और मैं इनके फेस की अच्छी तरह से कॉन्ट्रोलिंग कर लूँगी. जो कान की लो होती है वहाँ से लेकर और जो लिप्स वाला एरिया होता है उससे ऊपर ऊपर हमने कॉन्ट्रोल को रखना होता है, नीचे नहीं लेकर आना होता है. इसको मैं खैर मैं डिटेल वीडियो बताऊंगी तो आपने वो भी लाजमी देखनी है, ठीक है? उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ आएँ सबसे पहले आपको मिले. अच्छा, नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ परफेक्ट फेस का ब्लश ऑन. आपके पास जो भी ब्लश ऑन मौजूद है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है. इसके बहुत सारे शेड्स इनके पास अवेलेबल हैं और जो मेरे पास शेड है ना ये भी बहुत ज़बरदस्त है. नेक्स्ट मैं जी आई मेकअप की तरफ आ रही हूँ, परफेक्ट फेस का ही मैंने आई ब्रो का जो इनका पॉमेड है वो यूज़ कर रही हूँ. बहुत अच्छा है, बहुत नेचुरल कलर है और बहुत सारे लोगों की आईब्रोज से मैच हो जाता है. इससे मैं इनकी आईब्रोज को फिल कर लूँगी. आईब्रोज की फिलिंग की मैंने डिटेल वीडियो चैनल पे दी हुई है, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट जी मैं अपने ब्राउ बोन एरिया पे कंसीलर लगा रही हूँ क्योंकि मेरी मॉडल की आईब्रोज बनी हुई नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो हाइड हो जाएंगे और इसी से मैं इनकी जो आई बेस है वो भी बना लूँगी, ठीक है? मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आपके साथ सारे स्टेप शेयर कर रही हूँ. नेक्स्ट जी मैंने ये ब्राउन शेड लेना है, ठीक है? आपके पास जो भी पैलेट है आप वो पैलेट यूज़ कर सकते हो. उसमें से ब्राउन शेड या पीच शेड या ऑरेंज शेड, इस तरह के शेड्स हम हमेशा पहले पिक करते हैं ताकि हमारी जो क्रीज एरिया वो अच्छे से डिफाइन हो जाए. मैंने जस्ट यही ब्राउन शेड लिया है, इनकी क्रीज एरिया पे अप्लाई कर दिया है और उसकी मैंने अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर दी है. मैंने कोई और शेड यूज़ नहीं किया और ब्लेंडिंग के लिए मैंने ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया, ठीक है? जो पफी ब्रश होता है ना, ब्लेंडिंग ब्रश, वो मैंने यूज़ किया है. ब्लेंडिंग के लिए हमेशा पफी ब्रश या ब्लेंडिंग ब्रश ही यूज़ होता है. अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर लेनी है और उसके बाद जी मैं परफेक्ट शेड का, परफेक्ट फेस का ये बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा आई शेड है वो यूज़ कर रही हूँ. गोल्डन मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मोस्टली ड्रेसेस में गोल्डन या सिल्वर कलर होता है, तो आप ये कोई भी ड्रेस के साथ ये आई मेकअप जो है वो कैरी कर सकते हो. ये बहुत ही पिगमेंटेड है और इसको मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से इनके आईलिड पर अप्लाई कर लिया है. नेक्स्ट मैंने परफेक्ट शेड का ही ग्लिटर लिया है. ये बहुत ही इसकी जो ग्लिटर की चंक्स है ना, चंक्स नहीं है, आप डस्ट कह सकते हो, बहुत स्पार्कली है. आई मेकअप में बहुत ज़्यादा जो है इन्हेंसमेंट लेकर आता है, तो आप जो है इसको सीलर की हेल्प से अप्लाई कर सकते हो. सीलर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस लाजमी देख लीजिएगा, उसमें भी आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिलेंगी. अच्छा, आप देख सकते हो इसका स्पार्कल कितना कूल है. नेक्स्ट मैं अपनी मॉडल की आइज़ के नीचे वही ब्राउन शेड जो है वो हल्का हल्का सा अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम आइज़ के नीचे शेड अप्लाई नहीं करते तो आइज़ जो है वो चाइनीज़ सी लगती हैं, ठीक है? तो आपने आइज़ के नीचे लाजमी कलर अप्लाई करना है, इसको इसी तरह से नहीं छोड़ना और ब्लैक कलर भी नहीं अप्लाई करना. मैं जस्ट बहुत डिसेंट सा, बहुत ही हल्का फुल्का सा मेकअप कर रही हूँ जो कि आम टीनेजर गर्ल्स भी कर सकती हैं और जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो भी कर सकती हैं, ठीक है?
अब मैं जी लाइनर लगा रही हूँ, लाइनर को मैंने आइस के अंदर अंदर ही रखना है, कोई विंग क्रिएट नहीं कर रही हूँ। बहुत ही आसान सा कि आपने लैश लाइन के साथ साथ लगाना है, जो इनर कॉर्नर है उससे आपने बिल्कुल लैश लाइन के साथ रखना है और जो आउटर कॉर्नर है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है। विंग नहीं क्रिएट कर रही हूँ और एंड पर इसको मैंने अच्छी तरह से स्मज कर लिया था। नेक्स्ट मैं जी ये एसेंस का मस्कारा मैंने यूज़ किया और फिर मैंने लैशेज अप्लाई की। लैशेज अप्लाई करने के लिए ग्लू मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं, तो लैश ग्लू मैंने यूज़ की है जी एस्टी लंडन की। नेक्स्ट मैं परफेक्ट फेस का ही हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा हाईलाइटर है। हाईलाइटेड पार्ट को मैं जो हमारे होते हैं जिन एरियाज को हाईलाइट करना होता है उन पर अप्लाई करूँगी, नोज पे, चिन पे और हमारे चीक्स बोन होती हैं वहाँ पर और फोरहेड पर, अच्छी तरह से हाईलाइट कर लेंगे। और हाईलाइट करने के बाद हमने लिपस्टिक अप्लाई की और हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया। अब ये मेकअप आप देख सकते हो कि इजीली आप किसी पे कर भी सकते हो, इजीली आप खुद पे भी कर सकते हो और किसी भी शादी पे आप इजीली कर सकते हो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।